अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज कर रहे हैं। जी सर, मैं करती थी। सर ग्रुप पे मैसेज कर दिया है, मिस सानिया फोन नहीं रिसीव कर रही है अभी। सही, चलें फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली मेरा इवैल्यूएशन मेथड्स के बारे में है कि हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो तीन इवैल्यूएशन मेथड्स हैं जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा पेपर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन और रिकॉल है। जी सर, ठीक है। मैडम सानिया भी आ गई, उनको ज्वाइन करवा। ठीक है। अच्छा जी, जो हमारा आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये है इवेल्युएशन मैट्रिसेस के बारे में, इवेल्युएशन मेथड्स के बारे में। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक स्टोरी, बेसिक एक्सपेरिमेंट की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। कि मेरे पास ना टास्क है कि मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जो स्पैम डिटेक्ट करे। अब जो स्पैम डिटेक्शन है, ये मैंने भी एक एल्गोरिथम प्रपोज किया, ये किसी और ने भी किया हुआ है। तो हमने इसकी एक्यूरेसी को मेजर करना है, हमने इसकी प्रिसीजन को मेजर करना है, हमने इसके रिकॉल को मेजर करना है। तो ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी और रिकॉल है क्या, ये मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सिनेरियो ये है कि स्पैम जो होती है वो बेसिकली ईमेल्स होती हैं,
जो भी आपको ईमेल आएगी हमने आइडेंटिफाई करना है ये स्पैम है कि ये स्पैम नहीं है। तो हमारे पास कोई भी एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को हमें पहले ट्रेन करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो ईमेल्स थी वो 100 ईमेल्स थी जो कि जिनका फीचर सेट ये है। अब उस डेटा सेट के अंदर क्या क्या मुझे मिला यानी मुझे अवेलेबल है, सबसे पहले है जी ईमेल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का टेक्स्ट क्या है, ईमेल की बॉडी, उसके बाद ईमेल का सेंडर कौन है, ईमेल का रिसीवर कौन है, ईमेल का टाइम स्टैम्प क्या है, और ये पहले से डेटा टैग्ड है कि ये स्पैम है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी ट्रू या फॉल्स कि ये जी स्पैम है या नहीं है स्पैम। शीट नंबर टू में हम चेक करें इसको, यस नो, यस नो कह दें, यस स्लैश नो। ये हमारे पास जो डेटा सेट है वो पहले से टैग हुआ हुआ है। अब जो मेरा एल्गोरिदम था उसको मैंने ये 90 सैंपल्स इनके हर एक सैंपल के ये 5 फीचर्स हैं। मेरे पास सैंपल साइज क्या है, मेरे पास है जी सैंपल साइज, टोटल सैंपल साइज है 100। उसके बाद उसमें से मैंने ट्रेनिंग सैंपल जो है वो 90 रखा है, और हर एक सैंपल के आगे ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है जी सर? ठीक है। अब हो गया ये कि हर एक सैंपल के आगे ये 9 एट्रीब्यूट्स हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उस एल्गोरिदम को ना टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। जो 90 ईमेल्स इस डेटा सेट की इन फीचर्स के साथ मैंने 90 सैंपल्स को अपने एल्गोरिदम में डाला, उसने उसकी बेस पर ट्रेनिंग की। अब मैंने टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने कितनी ईमेल्स रखी हुई है, मैंने 10 ईमेल्स फॉर रखी हुई है टेस्टिंग पर्पजेज। ठीक है, अब जो मैंने 10 ईमेल्स फॉर टेस्टिंग पर्पजेज रखी हैं, तो अब ये मेरे पास लेट्स सपोज वो ईमेल है ईमेल 1 से लेके ईमेल 10 तक, और जो मेरे पास एक्चुअल टैग है यानी ये जो ये वाली ईमेल्स ये भी टैग्ड है, तो ये उनका उनके आगे लिखा हुआ कि स्पैम है कि नहीं। ईमेल 1 ये स्पैम है, ईमेल 2 ये स्पैम है, ईमेल 3 ये स्पैम है, ईमेल 4 ये स्पैम नहीं है, ईमेल 5 स्पैम है, ईमेल 6 स्पैम नहीं है, 7 नहीं है, 8 9 है और 10 नहीं है। ठीक है, ये थी जो एक्चुअल मेरे पास इंफॉर्मेशन है डेटा के बेस पे। मैंने इस चीज को हाइड करके ये 10 ईमेल्स के बाकी फीचर्स, ये वाले फीचर्स मैंने ये वाला नहीं भेजना, मैंने जब ट्रेनिंग करनी है तो मैंने, हाँ ये बड़ा अहम सवाल है जो आप लोगों का यहाँ पूछ रहा होता है लेकिन हमने पूछा नहीं, जब मैंने 90 ईमेल्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की ना तो मैं ये सारे फीचर सेट इस्तेमाल करूंगा और ये मैं आउटपुट चेक करूंगा, मैच करूंगा कि ये स्पैम आउटपुट पे आया कि नहीं, और वो फीडबैक लूप लगा रहेगा, वो ट्रेनिंग करता रहेगा जब तक कि वो इंटरनली अपने आप को कहे कि जी हमारी मेरी मॉडल की ट्रेनिंग अच्छी होगी। लेकिन जब मैंने टेस्टिंग के लिए डाटा भेजना तो मैंने सिर्फ ये पैरामीटर्स भेजने उस एल्गोरिदम को, मैंने ये वाला पैरामीटर नहीं भेजना। कहने का मतलब ये कि जो ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ये उस एल्गोरिदम से हाइड किया है हमने। अब जब उसके अंदर मैंने बाकी ये फीचर्स भेजे, मैंने ईमेल सब्जेक्ट बॉडी सेंडर रिसीवर टाइम ये जब भेजा, तो उसने मुझे प्रिडिक्ट करके दिया, उसने कहा कि जो ईमेल 1 है वो स्पैम है, ईमेल 2 स्पैम नहीं है, ईमेल 3 स्पैम है, 4 और 5 नहीं है, 6 स्पैम है, 7 नहीं है, 8 नहीं स्पैम है और 10 भी और 10 स्पैम नहीं है। ठीक है, अभी उसने मुझे, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर, आप आ रही है? ठीक है जी, ये उसका आउटपुट आया। ठीक है, अब हमने इन दो की बेस पे कि मेरे पास एक्चुअल क्या थी और मेरे पास प्रिडिक्टेड क्या, हमने दो टेबल्स क्रिएट करने हैं, एक है पॉजिटिव और नेगेटिव और एक है ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्ट करना है, अगर ये यस है तो मैं इसको कह दूंगा पॉजिटिव। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, अब मैंने कहा कि मेरे आगे दो टेबल दो कॉलम बने हुए हैं, एक है ट्रू फॉल्स और एक है पॉजिटिव नेगेटिव। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, अब आ रही है। अच्छा जी, वापस आते हैं इधर। ये मेरे पास एक्चुअल डेटा था, यस। हेलो आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी।
ठीक है जी, ये उसकी एक्चुअल स्पैम की टैगिंग थी कि ये स्पैम है या नहीं है, और ये प्रिडिक्टेड थी कि वो स्पैम है या नहीं। अब मैंने दो कॉलम बना लिए, एक ट्रू और फॉल्स और एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव को फिल कर लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि अगर मेरे पास यस है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये नो है तो नेगेटिव है। तो ये मैंने पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मैंने बता दिया जी, जो मेरे पास आउटपुट आई है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, अब जो ट्रू है और फॉल्स आपने चेक करना है, अगर ये दोनों सेम है यस यस तो ये ट्रू है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है तो ये मेरे पास फॉल्स है। तो ये अब हम इसको करते हैं, यस यस ट्रू, नो नो ट्रू, यस नो फॉल्स, नो यस फॉल्स, नो नो फॉल्स, यस यस ट्रू, यस यस, अच्छा नो नो ट्रू, नो यस फॉल्स, नो नो ट्रू, यस यस ट्रू, यस यस ट्रू, नो नो ट्रू। ठीक है जी, तो ये मेरे पास दो कॉलम्स आ गए। अच्छा, अब ये क्या बना है? ये जो मेरा आउटपुट है ना, ये वाई, इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। जो ये जो स्पैम था लेकिन उसको उसने स्पैम डिटेक्ट नहीं किया, तो ये मेरा फॉल्स नेगेटिव है। तो बेसिकली अब इसको समझाने के लिए जो कि जी ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या है, सीएन का हम एक चार्ट चेक करेंगे। वो इस तरह का चार्ट है, लेकिन ये चार्ट जो है ना वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने अपने डेटा को टैग कैसे किया हुआ। मिसाल के तौर पे फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। अब फॉल्स नेगेटिव क्या होगा आपके स्पैम के सिनेरियो में, फॉल्स नेगेटिव क्या होगा और ट्रू नेगेटिव क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा और ट्रू पॉजिटिव क्या होगा। दो लफ्ज हैं ये, एक है फॉल्स और ट्रू और एक है नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं अगर आपसे सिंपली पूछूं कि स्पैमिंग के सिनेरियो में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? यानी कि वो फॉल्स था और उसने उसको ट्रू कर दिया? नहीं 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 नहीं, अभी मैं ये जो हमारे पास चार लफ्ज है ना, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ये एक्चुअली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जो पहला वर्ड है ना वो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दूसरा वर्ड ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, हम पहले दूसरे लफ्ज पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो आपके डेटा सेट के टैग से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी टैग हुआ हुआ है यस और नो, क्या स्पैम है? यस। अगर यस है तो मैंने उसको कह दिया पॉजिटिव। जिस तरह कोरोना के सिनेरियो में जी, अगर आपको कोरोना डायग्नोज हो गया तो वो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। ईमेल के सिनेरियो में भी अगर स्पैम है तो वो क्या है? यस, तो वो पॉजिटिव है। अगर स्पैम डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो क्या है? नेगेटिव। तो ये आपका ये वाला कॉलम तकरीबन वही बन जाता है जो ये वाला कॉलम है, जहां यस है वहां पे पॉजिटिव है, जहां पे नो है वहां पे नेगेटिव आ गया। अब ट्रू और फॉल्स का मतलब ये है कि आपका स्पैम था नहीं लेकिन एल्गोरिथम ने उसको स्पैम डिटेक्ट कर दिया, यानी एल्गोरिथम आपका स्पैम था नहीं लेकिन आपके एल्गोरिथम ने उसको डिटेक्ट कर लिया, तो आपका फॉल्स पॉजिटिव है। उसने पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर दिया लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया। ये बात समझ में आएगी आपको? हाँ जी सर, आ गई जी सर। फिर आपका आउटपुट आया नो, कि जी स्पैम नहीं है लेकिन ओरिजिनली वो स्पैम था, तो क्या हो गया? फॉल्स नेगेटिव। आपके आउटपुट ने फॉल्स नेगेटिव दिया, उसने आउटपुट में आपको एल्गोरिथम ने जो प्रिडिक्ट किया वो फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया। अच्छा, जो आपका इक्वेशन या जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको ये बेसिकली प्रोग्राम करना होता है, ट्रू और फॉल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप एक बार ये प्रोग्राम कर लेते हैं फिर आगे इक्वेशन सिंपल है। जो एक्यूरेसी है वो है करेक्ट प्रिडिक्शन ओवर टोटल प्रिडिक्शन, उसके लिए सिंपली आप इस कॉलम को इस्तेमाल करेंगे। अब करेक्ट प्रिडिक्शन वो है जो एक्चुअली और प्रिडिक्टेड सेम रही, यानी आपके यहाँ ट्रू कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आपके ट्रू हैं और टोटल प्रिडिक्शन आपकी 10 है, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो 7 out of 10 बना। परसेंटेज का मतलब ये कि 70% आपका ये एल्गोरिथम एक्यूरेट है, एक्यूरेसी वाइज।
अब आ जाते हैं प्रिसीजन के ऊपर. प्रिसीजन का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. मेरे पास टीपी, जहां जहां टीपी लिखा हुआ है वो मेरा ट्रू पॉजिटिव होगा. तो टीपी एक दफा मेरे पास आया, दो दफा आया, उसके बाद तीसरी दफा आया और चौथी दफा आया. मेरे पास ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? मेरे पास फोर ट्रू पॉजिटिव है. दूसरा मैंने क्या देखना है? फॉल्स पॉजिटिव. अब मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव कितनी दफा आया? मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव एक दफा आया. मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव वन टाइम आया. तो इसका जो इक्वेशन है वो बनता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. तो ये 80 इसकी प्रिसीजन है. ये 0.8, ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है. इसकी 0.8 प्रिसीजन है. इसी तरह जो रिकॉल है वो बजाय इसके कि वो फॉल्स पॉजिटिव देखे वो फॉल्स नेगेटिव देखता है. तो टीपी आपके पास टोटल कितना है? 4. उसके बाद आपके पास फॉल्स नेगेटिव मेरे पास कितने हैं? 2. तो जो मेरा इक्वेशन बनती है वो बनती है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. तो मेरी प्रिसीजन आई है, मेरी रिकॉल आई है 0.6. ये वो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं जिनके जरिए हम अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं. अच्छा, जो ये मैंने आपके सामने तीन इवैल्यूएशन मेथड्स डिस्कस किए हैं ये सबसे कॉमन है, लेकिन रिसर्च वाइज आप ये लगा के अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते. आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही इवैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके कंपेयर्ड पेपर ने किया है. मेरे सिनेरियो में मीन एवरेज प्रिसीजन भी है, रूट मीन स्क्वायर एरर भी है, प्रिसीजन भी है, रिकॉल भी है. यहाँ पे हमने अभी एरर वाला नहीं यहाँ पे किया डिस्कस, जो रूट मीन स्क्वायर एरर और बाकी वो अगर एरर आए तो उस सिनेरियो में करते हैं, लेकिन वो रिसर्च वाइज डिपेंड करता है. तो जो सबसे कॉमन तीन थे मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस किए. आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें. नो सर, चलो ठीक है. अब ये मैं अब सेशन एंड करूंगा. तो ये इंशाल्लाह वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ उमान में रखे, मुझे बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा. बाकी मुश्किल वक्त अल्लाह पाक हमारे इस मुश्किल वक्त को आसान करे, और मोमिन नाउमीद नहीं होता, तो नाउमीद आप लोगों ने नहीं होना. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.